तो हाँ दोस्तों, क्या आप इस मंथ अपने लिए एक बेस्ट फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो और आपका बजट 20,000 है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000, जिसमें आपको कैमरा क्वालिटी एडवांस लेवल की मिलने वाली है, जिससे आप कमाल के पिक्चर्स ले पाओगे और 4K वीडियो भी शूट कर पाओगे, और एक्सट्रीम गेमिंग के लिए आपको पावरफुल 5G प्रोसेसर भी मिल जाएगा विथ मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ, और आपको अदर स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, जैसे कि 13GB की रैम, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जर का सपोर्ट। और ये बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन की लिस्ट है, तो मैंने इन सारे फ़ोन को ऑल ओवर कैमरा क्वालिटी और प्राइस के बेसिस पर नंबर वाइज रैंक किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस, तीसरे नंबर पर आता ओप्पो F21 Pro, और इस फोन का डिज़ाइन और कैमरा एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेसिव है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 64 MP का मेन कैमरा और 2 MP का यूजलेस मैक्रो और डेप्थ कैमरा, और सामने की और पंच होल में आपको 32 MP की सेल्फी शूटर दी गई, जिसमें सोनी IMX709 का कैमरा सेंसर लगा है, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पर 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। ओप्पो के F सीरीज के स्मार्टफोन अपने ऑसम कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और इस फोन का कैमरा एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव काम करता है, और इसके मेन कैमरा में पिक्चर्स काफी नेचुरल और शार्प आते हैं, और डिटेल और डायनेमिक रेंज को भी इसका कैमरा अच्छे से कैप्चर कर लेता है, और इसकी सेल्फी तो बेस्ट काम करते हैं, जिसमें स्किन टोन और कलर काफी जबरदस्त आते हैं, और यहाँ तक कि लो लाइट में भी इसका कैमरा काफी अच्छा काम करता है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती 33W के फास्ट चार्जर को, जो इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 1 घंटा के आसपास फुल चार्ज कर देगी। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 680 का 6nm बेस प्रोसेसर दिया गया है, जिसका एंथ्रेड स्कोर 280,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये प्रोसेसर एक्सट्रीम गेमिंग के लिए नहीं बना, लेकिन आप मीडियम सेटिंग पे कोई भी गेम को इजीली रन कर पाओगे, और डे टू डे टास्क में ये फोन काफी स्मूथ काम करता है। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और 600 nits की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। कैमरा के साथ साथ इस फोन के डिस्प्ले की क्वालिटी भी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है, जिसपे आप Amazon या Netflix के ऊपर मूवीज या वेब सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 3.5mm का डुअल जैक दिया गया, और आप इसमें 2 SIM का 1 micro SD कार्ड एट द सेम टाइम पे यूज कर पाओगे, और आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 8128 का प्राइस 18,000 पड़ता है Amazon के ऊपर, और आप 8GB रैम को वर्चुअली 13GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। तो गैस, सेकंड नंबर पे आता है Realme 9 Pro 5G, और इस फोन में आपको कैमरा और डिजाइन काफी अच्छा दिया गया। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 64 MP का मेन कैमरा, जिसमें सैमसंग GW1 का कैमरा सेंसर लगा है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया गया, और फ्रंट पे आपको पंच होल में 16 MP की सेल्फी शूटर दी गई है, जिसमें सोनी IMX471 का कैमरा सेंसर लगा है, और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से 1080p पर 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। इस फोन का कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट तो नहीं करता, बट इसकी कैमरा क्वालिटी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है, जिससे आप डे लाइट के समय अच्छी डिटेलिंग के साथ पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे, और इसकी सेल्फी भी अच्छी काम करती है, जो स्किन टोन और कलर को अच्छे से कैप्चर कर लेती है, और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके कैमरा को अच्छी रेटिंग भी दी गई है। और इस फोन में पावर सप्लाई करने के लिए आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और इन द बॉक्स आपको 33W का वेरी फास्ट चार्जर भी दिएगा, जो इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 695 का 6nm बेस प्रोसेसर दिया गया, जिसका एंथ्रेड स्कोर 3,80,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर काफ़ी पॉपुलर और वेल कैपेबल है, जिसपे आप कोई भी गेम लाइक PUBG और COD को हाई ग्राफिक्स पर वेरी इजीली और वेरी स्मूथली रन कर पाओगे, बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.6 इंचेस की IPS
डिस्प्ले मिलती है जिसपे काम करते हुए 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। इस फोन में IPS डिस्प्ले दी तो गई है बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेसिव है जिसपे आप मल्टीमीडिया को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आप इसमें 2 SIM कार्ड और 1 MicroSD का एट द सेम टाइम पे यूज़ कर पाओगे और आपको इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके 6128 का प्राइस 19,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट नंबर पर था सैमसंग का सुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस सैमसंग M52 5G। और इस फोन के अंदर आपको कैमरा और डिस्प्ले एक्चुअली में काफ़ी अच्छा दिया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, 64 MP का मेन कैमरा विद OIS और 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। और फ्रंट पे आपको पंच होल में 32 MP की सेल्फी शूटर दी गई जिसमें सोनी IMX616 का कैमरा सेंसर लगा है। और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसके मेन कैमरा में पिक्चर्स काफी नेचुरल और क्रिप्स आते हैं और इसका कैमरा डिटेल और डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। और इसकी सेल्फी तो एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेसिव काम करती है और आप इसके सेल्फी कैमरा को 20,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा भी बोल सकते हो। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 15 W का टाइप सी चार्जर दिया गया जो काफ़ी कम है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 778 का पावरफुल गेमिंग चिपसेट दिया गया है और ये प्रोसेसर 6 nm पे बेस है जिसका एंटीटो स्कोर 5 लाख के ऊपर देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है जिसपे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.7 inches की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसपे काम करती है 120 Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट। और फ्रंट पे आपको GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। यदि आपको स्मार्टफोन में मूवीज या वेब सीरीज देखना ज़्यादा पसंद है तो आपको इसके डिस्प्ले से कोई भी इशू नहीं होगा और मल्टीमीडिया लवर्स को इसका डिस्प्ले काफ़ी पसंद आने वाला है। और बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके 6128 का प्राइस 20,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर।